दिल्ली को मिलेगा अमेरिका का रक्षा कवच, आसपास भी नहीं भटक पाएगा दुश्मनों का मिसाइल या ड्रोन। वाशिंगटन और मॉस्को की तरह केंद्र की मोदी सरकार देश की राजधानी दिल्ली को अभैध सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भारत अमेरिका से नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 यानी नासाम 2 खरीदने की कोशिश में जुटा है। ये मिसाइल होने पर दुश्मन चाहकर भी राजधानी पर मिसाइल, ड्रोन और विमान से हमला नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक भारत सरकार दिल्ली को चारों तरफ से मिसाइलों के रक्षा कवच से ढकने की तैयारी में है। नासाम को हासिल करने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अपनी दो स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD ढाल को विकसित करने के अंतिम चरण में है। BMD का डिजाइन पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें तुरंत नष्ट करने के लिए किया गया है। दिल्ली की सुरक्षा की सबसे बड़ी परत नासाम के माध्यम से होगी। ये स्टिंगर्स तैसे हवा में मार करने वाली मिसाइलों, बंदूक प्रणालियों और AIM-120C-7 अमराम्स मध्यम दूरी की मिसाइल जैसे विभिन्न हथियारों का एक संयोजन होगा जो 3 आयामी सेंटिनल रडार पर आधारित होगा। यह नेटवर्क प्रणाली इमारतों के आसपास भी शूटिंग करने में सक्षम है। इससे 9/11 सहित बेहद करीबी हमलों से भी बेहद आसानी से बचा जा सकेगा। नासाम के लिए बदलेगी पुरानी सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिकी मिसाइल नासाम्स 2 के लिए पुरानी सुरक्षा व्यवस्था को बदला जाएगा। इसके तहत VIP नो फ्लाई जोन और दुश्मनों के विमानों को देखते ही मार गिराने वाले सिस्टम को भी दोबारा आकार दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसके पहले मोदी सरकार में रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने अमेरिका से $1 अरब में नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नासाम्स 2 को अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नासाम में शामिल होंगी ये सभी चीज़ें। नासाम्स के तहत 3 दिशाओं में काम करने वाले सेंटिनल रडार, शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें, लॉन्चर, फायर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और कमांड एंड कंट्रोल यूनिट्स शामिल होंगे, जिससे दुश्मन के हवाई हमलों को तेजी से पहचानने, उन्हें ट्रैक करने और हवा में ही मार गिराने में सफलता हासिल होगी। VIP-89 भी दायरे में आएंगे। समग्र दिल्ली एरिया एयर डिफेंस प्लान के तहत आने वाले VIP-89 क्षेत्र का भी पुनर्निर्माण करने की बात चल रही है। बता दें कि इस क्षेत्र के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक शामिल हैं। साथ ही विमानों को मार गिराने को लेकर फैसले लेने के वक्त को भी कम किया जाएगा ताकि उन्हें समय रहते अपने कब्जे में भी लिया जा सके। बता दें कि भारत ने अक्टूबर 2018 में 4 साल की कोशिशों के बाद अंतर सरकारी समझौते के बावजूद काट्सा अमेरिका के प्रतिबंध अधिनियम नामक अमेरिकी कानून के तहत प्रतिबंधों के खतरे के बाद रूस के साथ S-400 सौदा किया। भारत को अक्टूबर में ये मिसाइलें मिलेंगी।